एहसान फरामोश, नमक हराम, ये क्या क्या तुमने? बस अभी बस, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन मैं कहूंगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो। एहसान फरामोश मैं नहीं हूं, ये है ये आपके शौहर। अरे जो बाप कहलाने के लिए तरसते थे, तन्हा थे वो, हमने उन्हें बना दी, हमने उन्हें सहारा दिया था मम्मी। अरे बाप समझकर सर पर बिठा रखा है, और आप खामोश करो। एक और लफ्ज मेरे सामने वलीद के खिलाफ बोलो ना तो मैं कंसर्व और घटिया हो सकती हूं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी ये जवानी, ये तालीम, ये सेहत, ये सब वलीद की मेहरबानी है। पीक है वो, पीक। हर वुन्ने वाला जो आपकी वजह से आपके शौहर ने हमें खिलाया, पीक के सिवा कुछ नहीं है वो। अम्मी क्यों मार रहे हैं आप इसे? आप चुप क्यों हो गए बेटा? बोलो क्या सच है? क्या सच है? ये सच है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, ये सच है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो, ये सच है कि मेरे प्यार में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या सच है मेरे बच्चे, क्या सच है बताओ मुझे? सच ये है कि तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। तुम मिल जाएगा हिस्सा, लेकिन जो तुम चाहते हो ना वो हरगिज नहीं हो सकता। अब इस घर में रहना है तो यहां के असूलों के मुताबिक रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाप से मजीद भीख मांगो। मैं नहीं चाहता। हां बोली, निकाल दो इसे, निकाल दो इसे घर से, ये बहुत बेअदब हो गया। उठाओ अपने सामान और निकलो यहां से, निकल जाओ। इतना सा था, मुझे याद है, ये इतना सा था जब मैं इसे अपने पास लाया था, अपने सीने से लगाया, अपनी आंखों का तारा बनाया, बड़ा हो गया, अपने बाप को सच बताया। राहिल, ओए, इधर आ, मेरा देखें, ये सच में तो नहीं जा रहा कहीं? ओए राहिल, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर किसी। वलीद संभाल। रोके राहिल कुर, ओए राहिल, राहिल, वलीद, राहिल, राहिल, राहिल किधर? वलीद किधर जा रहा है? वलीद क्या हो गया?